हाय, आई एम किरण शापुरी एंड ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉर्न्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द चैरियट एंड फर्म फाउंडेशन। और देखिए, चैरियट का कार्ड मूवमेंट, शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सबके लिए रिफर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि इस वीक आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखें तो चैरियट का कार्ड कहता है कि चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत श्योरिटी के साथ अगेन आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। और कहीं सक्सेस भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट आप चीजों को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस मूवमेंट, इस शिफ्ट के लिए, लेकिन चैरियट के नीचे फर्म फाउंडेशन का कार्ड कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप ले करना चाह रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में। और उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी हो सकता है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी डीपर लेवल पे या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक आ रही है। तो देखिए, ओवरऑल इस वीक की एनर्जी स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफी अच्छी रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हार्टेक एंड लॉस का कार्ड है। तो देखिए, हार्टेक एंड लॉस का कार्ड बहुत ही क्लियरली मन ही मन किसी चीज को लेकर परेशान होने की, उदास होने की या फिर एक तकलीफ महसूस करने की बात करता है। हालांकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ी कोई चीज नहीं रहेगी, लेकिन आप बहुत खुश, बहुत हैप्पी रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक एंथुजियाज्म, जॉय, सेटिस्फेक्शन भी डीपर लेवल पे मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट पर्सनल लाइफ के एरियाज हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए यू नो पेरेंट्स से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, कुछ के लिए स्पाउस, बच्चे या फिर कोई आपका गोल है जिसको आप अचीव करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ यू नो डिफिकल्टीज आ रही हैं इसलिए आप मन ही मन परेशान हो रहे हैं। तो फिर से मैं कहूंगी कि डीपर लेवल के लिए एक हर्ट, एक पेन वाली एनर्जीज है। और इसीलिए देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत ही लॉजिकली चीजों को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा माइंड से चल रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया इमोशनल होना, सेंटिमेंटल होना, अब आप फिर से मैं कहूंगी लॉजिकली चीजों को डील करना चाह रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, एक अथॉरिटी मेंटेन करते हुए ही चीजों को डील कर रहे हैं। और थोड़े से हो सकता है इन द प्रोसेस आप कंट्रोलिंग हो रहे हैं या फिर मैनिपुलेटिव हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए देखिए, ऐसी ही एनर्जीज का कोई इंसान भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जिनके साथ आपकी ज्यादा डीलिंग्स हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई इंसान ऐसी एनर्जीज के हैं, यानी कि लॉजिकल हैं, माइंड से चलते हैं, बहुत ज्यादा एक यू नो क्लैरिटी रखते हैं, उनकी तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूंगी कि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ कैप्रिकॉर्न्स की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में कोई इंसान ऐसी एनर्जीज वाला हो सकता है जिनकी तरफ से अगेन सपोर्टिव एनर्जीज हैं या फिर उनके साथ आपकी ज्यादा डीलिंग्स हो रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मास्टर का कार्ड है।
और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एनर्जीज हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको ओवरकम करें, आप उनको मास्टर करें। क्योंकि देखिए, जब हम किसी भी चीज़ के स्लेव होते हैं, गुलाम होते हैं, तो हम परेशान ही रहते हैं। क्योंकि देखिए, गुलामी में कोई कभी भी खुश नहीं रह सकता है। तो इसी तरीके से चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लें। जैसे कि देखिए, जब हम अपना रिमोट कंट्रोल लोगों को दे देते हैं, हम उनके ऊपर अपनी खुशी के लिए डिपेंड होते हैं। जैसे कि उन्होंने अच्छे से बात करी, हम बहुत खुश हो गए। उन्होंने ज़रा से भी अच्छे से बात नहीं करी, हम उदास हो गए। हमने एफर्ट किया या फिर उनके लिए कोई इनिशिएटिव लिया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, हम बहुत खुश हो गए। उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, हम उदास हो गए। तो देखिए, जब हम ऐसी एनर्जीज में रहते हैं, तब कहीं अपनी खुशी के लिए हम उन पर डिपेंड करते हैं, या फिर देखिए, हम एक स्लेव बन जाते हैं और तभी हम परेशान भी होते हैं। और यहाँ पे मास्टर का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपने किसी के ऊपर भी अपनी खुशी के लिए डिपेंड नहीं करना है, आपने खुद का मास्टर बनना है और जो भी एनर्जीज हैं उनको भी आपने ओवरकम करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।